पटाखे नहीं गोलियां चलेंगी, ऐसा कहना मेरा नहीं है बल्कि ऐसी टैगलाइन है अभी अपकमिंग एक बॉलीवुड की मूवी है जिसका नाम है सांड की आंख, जिसका आज टीज़र रिलीज़ हुआ है। मूवी रिलीज़ होगी इस दिवाली पे यानी कि 25 अक्टूबर को, और मूवी की लीड में तापसी हैं, उसके अलावा भूमि पढ़ने करें। अच्छा, ये जो एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, एक चंद्रो तोमार और उसके अलावा जो है परकाशी तोमार हैं जो कि यूपी की रहने वाली हैं, जिनको शूटर दादी के नाम से भी काफ़ी फेमस हैं। और ये जो शूटिंग वगैरह में 30 से अबव जो है चैम्पियनशिप्स जो है इंडिया में जीत चुकी हैं और काफ़ी मतलब इनका नाम है, और इनकी लाइफ पे बेस्ड ये स्टोरी है। जैसे ट्रेलर में आपको नज़र आएगा तापसी और भूमि जो है इस तरह मतलब शूटिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे, प्रैक्टिस करते हुए नज़र आएंगे, कैसे उनकी जो पोती है वो उनको इनकरेज करती है। वैसे वो मतलब स्टोरी बेसिकली इसी तरह ही है कि रियल इनकी जो है कि इनके जो पोती ने एडमिशन लिया उसमें शूटिंग वगैरह सीखने को, लेकिन वो सीख नहीं पाई, तो उसके बाद इनकी दादी निशाना मारा तो जाके सीधा जो कहते हैं ना बुल्स आए, जैसे सांड की आंख मतलब बुल्स आए, तो निशाना जाके सीधा लगा, तो उसके बाद जो है इन्होंने प्रॉपर सीखा और उसके बाद इतने मेडल वगैरह लिए। काफ़ी मतलब इनकी जो है इंस्पायरिंग स्टोरी है, और 60 अबव की एज के बाद इन्होंने ये सब किया है, तो एक बहुत मतलब मेरी तरफ से भाई सलूट है इनको बिल्कुल। और उसी पर बेस्ड ये स्टोरी, ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और जो ये दोनों मतलब जिस तरह इनका नज़र आ रहा है और इनकी थोड़ी बॉन्डिंग वगैरह भी दिखाई गई ट्रेलर में। बस एक चीज़ थोड़ी सी मुझे जो इसकी नेगेटिव लगी या थोड़ी सी माइनस चीज़ कहूँगा, वो ये कि इनके थोड़े से जो मतलब मेकअप वगैरह है, जो इनका लुक है, लग नहीं रहा है कि दादियाँ। मानता हूँ कि जहर इतना बिल्कुल वो तो नहीं होगा, यंगस्टर ने इसको फिल्म किया जैसे थोड़ा सा तो इस तरह मतलब करना पड़ता, फिक्शियस चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिक्शनल चीज़ें, लेकिन मेकअप ऐसे लग रहा है कि कोई बिल्कुल ही मतलब बच्चों वाला मेकअप किया है, कोई प्रोफेशनल वे में लग नहीं रहा। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग खुद टीज़र देख के आइडिया कीजिएगा। बाकी ये कि रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं जो इनकी स्टोरी पहले मैं देख चुका, सत्यमेव जयते जो है शो आता है आमिर खान का, काफ़ी टाइम पहले ये शो में भी आ चुकी थी, तो तब मैंने इनकी स्टोरी देखी थी। तो अब जैसे मैंने ट्रेलर देखा तो मैं फ़ौरन समझ गया कि लगता है कि उनकी इस पर जो है बेस्ड ये स्टोरी इनकी बनाई गई है, तो मैंने कहा इस पर जो अपना जो है छोटा सा एक रिव्यू देना, जब ट्रेलर आएगा तो ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन वही है इनकी स्टोरी पर बेस्ड है, तो होपफुली अच्छी मूवी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में।